नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता। ये जो आप देख रहे हैं ये किशोर कुमार समाधि स्थल है। ये खंडवा में स्थित है और ये स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है किशोर कुमार समाधि स्थल। जैसा कि आप जानते हैं कि किशोर कुमार, जिनका नाम आभास कुमार गांगुली भी है, गांगुली था, उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा में हुआ और उनका जो देहांत हुआ वो हुआ 13 अक्टूबर सन 1987। और किशोर कुमार जो संगीत जगत में बहुत ही प्रमुख हस्ती रहे हैं और जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड के संबंधित अपना इतिहास रचा, फिल्म फेयर अवार्ड का उनका इतिहास आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ये आप समाधि स्थल देख रहे हैं जहां पर उन्हें पंच तत्व में विलीन किया गया। ये है किशोर दा, जो हिंदुस्तान की इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर अभिनेता रहे हैं। और अभिनेता के साथ साथ किशोर कुमार ही एक ऐसे शख्सियत थे जो डायरेक्टर भी थे, म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, एक्टर भी थे, कॉमेडियन भी थे और सिंगिंग में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। ये है किशोर कुमार, किशोर दा की समाधि, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अद्वितीय रिकॉर्ड बनाया फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर। और ये 4 अगस्त 1929 को जन्मे खंडवा में और 13 अक्टूबर 1987 में उनका निधन हालांकि मुंबई में हुआ, लेकिन उनकी मात्र अंतिम इच्छा एक थी कि वो अपने गृह देश मतलब अपने शहर खंडवा में ही पंचतत्व में विलीन हो। और उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके पार्थिव शरीर को खंडवा लाया गया और पंचतत्व में खंडवा में ही विलीन किया गया, क्योंकि वो उनकी अंतिम इच्छा थी। इवन मरने से पहले वो खंडवा में सेटल होना चाहते थे, खंडवा में रहना चाहते थे, लेकिन विधु को कुछ और मंजूर था और उनका देहांत मुंबई में हुआ और खंडवा में पंचतत्व में विलीन हुए। किशोर कुमार, जिनकी पुण्यतिथि प्रत्येक साल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 4 अगस्त निर्धारित की गई है, जिसमें बड़े से बड़े कलाकार, जैसा कि मैंने बताया सुपरस्टार राजेश खन्ना, सुपरस्टार देवानंद, बड़े से बड़ा कलाकार इनको समाधि स्थल पे आके श्रद्धांजलि देने आए। आज हम आपकी बात कराते हैं यहाँ जो समाधि के केयर टेकर हैं, जो देख रेख करते हैं और जो संपूर्ण जानकारी देंगे किशोर दा के बारे में, किशोर दा की महिमा के बारे में आज आपका परिचय कराते हैं ऐसी अनोखी हस्ती से जो किशोर कुमार से जुड़े रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है सर राकेश कनारे। राकेश कनारे जी, और एक बहुत बड़े भक्त हैं जो किशोर कुमार को अपना भगवान मानते हैं, इनका नाम है सुनील आईसी। ये किशोर दा के बहुत बड़े फैन हैं और गायक भी हैं और मंदसौर से आए हुए हैं केवल श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं विजय गुप्ता भोपाल से आया हूँ किशोर दा को श्रद्धांजलि देने के लिए। स्टार्ट कर रहा जी, बीच में कुछ मत करना। इनका जो मैन स्पॉट है किशोर दा का, जो 13 अक्टूबर 1987 को बकायदा बॉम्बे से खंडवा डेड बॉडी लाकर, पीछे तीन सेट के पास वो खजूर टाइप में जो पेड़ दिख रहा है ना सर, जी जी, वहाँ पे किशोर दा का अपने हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से अग्निदाह किया गया जी। अब आज की तारीख में ये पूरा का पूरा स्पॉट सामने रोड से लेकर पीछे तक इसको अपने हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से शमशान बोलो या मुक्ति धाम, ये पूरा का पूरा स्पॉट आज की तारीख में स्पेशली किशोर दा के ही नाम से मुक्ति धाम भी है। और आज वर्तमान में अपन लोग जो खड़े हैं और जो जी रहे हैं, ये तो सरासर कलयुग है, सतयुग गया। तो उसी सतयुग में कई गलती से किशोर दा का विथ फैमिली ट्रम्स परिवार जो था पश्चिम बंगाल छोड़कर अपने खंडवा में आकर बस गया था। अब खंडवा में आने के बाद में उसी सतयुग में इनके जो फादर थे कुंजीलाल गांगोली, तो कुंजीलाल गांगोली जी उस सतयुग में खंडवा कोर्ट में एडवोकेट थे, वकील थे,
वकालत किया करते थे। वकालत करते करते कई कुछ दिनों के बाद में कई गलती से किशोरदा ने उनके विद फैमिली परिवार में कई खंडवा में जन्म लिया। अब जन्म लेने के बाद में किशोरदा की दिन पे दिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, जैसे जैसे उनमें दिमाग आता जाए, तो किशोरदा उस सतयुग में डेली अपनी साइकिल के द्वारा सुबह शाम यह स्पॉट पर भ्रमण के लिए आया करते। वाह वाह वाह। तो यह स्पॉट को किशोरदा ने अपने दिल में बैठा लिया था और दिल में बैठाने के साथ साथ एक दिन विद फैमिली के बीच में बैठकर कंफर्म सचेत भी कर दिया कि मैं जिंदगी में कहीं भी रहूं, मेरे साथ में कोई अजीबोगरीब प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो मेरी डेड बॉडी को इधर उधर ना ले जाते हुए मेरे वतन पे ले जाके मेरा अंतिम संस्कार। किशोरदा ने बोला था लता मंगेशकर से इंटरव्यू में कि जब मेरा मैं तो खंडवा में बसना चाहता हूँ, लाला जी की जलेबी खाना चाहता हूँ, खंडवा के साथ ही, खंडवा के लोगों से इतना प्रेम था और मेरी अगर कुछ भी होती तो खंडवा में, और उनकी अंतिम इच्छा पूरी की गई, खंडवा गौरवान्वित हुआ। अब वतन बोले, जन्मभूमि बोले, तो आज की तारीख में ये पूरा का पूरा खंडवा डिस्ट्रिक्ट किशोरदा के ही नाम से चलता है। तो बकायदा उन्हीं के कहे अनुसार 4 अगस्त 1929 का तो उनका जन्म और 13 अक्टूबर 1987 उनकी अंतिम विदाई। सन 87 में बकायदा उन्हीं के कहे अनुसार उनकी डेड बॉडी बॉम्बे से खंडवा लाई गई। एक दिन यहाँ के लोकल लोगों के दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को सिटी में आज की तारीख में इनका जो गृह निवास स्थान है रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने गांधी भवन बॉम्बे बाजार वाले रूट पर SBI बैंक के बाजू से इनका मकान है गांगुली निवास। एक दिन उन्हें उस मकान पर रखा गया। उसके दूसरे रोज उनकी शव यात्रा सुबह 8 बजे फिर वहां से निकाल कर लाए, जब जाकर अपने हिंदू धर्म रीति रिवाज के हिसाब से बकायदा पीछे उनका अग्निदाह संस्कार किया गया। उसकी याद में फिर अंतिम गवर्नमेंट ने उसको 2008 में वर्ल्ड में जो अपने चाहने वाले फैंस जो लगे हुए हैं इनके हिसाब से 2008 में फिर एमपी गवर्नमेंट ने इसको 2.5 करोड़ की लागत से इसको स्मारक के तौर पे डेवलपमेंट किया। अब ये ऊपरी वाला गुलई वाला हिस्सा तो उनका स्मारक है, ये नीचे वाला फाउंडेशन जितना भी बना हुआ है जस्ट इसके नीचे उनका 100 सीटर का मिनी थिएटर सिनेमा हॉल है। तो यहाँ का जो देखने वाला सिस्टम जितना भी है डेली यूज ना होते हुए एमपी गवर्नमेंट साल में स्पेशली किशोरदा के नाम से यहाँ पर 2 कार्यक्रम करवाती है, जन्मदिन और पुण्यतिथि। तो उस दिन यहाँ का देखने वाला सिस्टम सुबह से शाम तक चालू रहता है और उन्हीं से संबंधित इसके नीचे उनकी मूवीज बताई जाती है। अब आज की तारीख में किशोरदा की फैमिली में किशोरदा के 2 बालक है, एक अमित कुमार एक सुमित कुमार। तो इनका जो छोटे वाला बालक है सुमित, उसकी तो मैं आज की तारीख में बिल्कुल नहीं भविष्यवाणी करना चाहता। रही बात बड़े वाला बालक अमित, जिसकी यार रनिंग उम्र जो चल रही है 60 से 62 के करीब, वो लड़का है इनका गायक कलाकार। अब वो गायक तो है लेकिन पूरा वर्ल्ड बोलो, देश बोलो कि विदेश बोलो, किशोरदा की जो ओरिजिनल आवाज अपन औलाद से भी मांग रहे, अपन फैन से भी मांग रहे, लेकिन किशोरदा की ओरिजिनल आवाज ना औलाद दे पा रही ना आवाज दे। सर मैं एक आपकी बात को और बढ़ाना चाहूंगा, एकदम आप सही बोले। आज उनकी आवाज को फॉलो करते हुए कुमार सानू सुपरस्टार बने, आज उनकी आवाज को फॉलो करते हुए अभिजीत भट्टाचार्य सुपरस्टार बने, सुपरस्टार गायक बने। उनको शान फॉलो करते हैं, उनको कौन नहीं फॉलो करता। आज उनको जो फॉलो कर रहा है, आज डीजे में डिस्को में आप किसी गाने सुन रहे हैं किशोरदा के गाने रहेंगे, जितने भी नए गाने गा दीजिए रिमिक्स किशोरदा के ही आएंगे। मतलब किशोरदा का तो कोई ये नहीं, इवन आप भारत रत्न की जो डिमांड कर रहे हैं किशोर कुमार ग्रुप वाले, वो सही कर रहे हैं और उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, मिलेगा, ये मिलना नहीं चाहिए, मिलेगा। बहुत सही बोला। अब रही बात, उन्होंने उनकी लाइफ में 4 शादियां करके रखी जी। 4 शादियों में उनकी जो पहले नंबर वाली बीवी थी जी, रूमा गोहा ठाकुर यानी रूमा गांगुली, अभी 2.5 महीने पहले उनकी रिपोर्ट का मैं बात करूँ। जी जी, एकदम सही बात बोला। तो रूमा गांगुली जी का और किशोरदा का कुछ दिन तक का साथ चला, आगे चल के दोनों के बीच में कोई नौटंकी खड़ी हो गई। उनको लूप लाइन में कर
फिर सेकंड नंबर पे उन्होंने मधुबाला जी से ब्याह रचा, विश्व सुंदरी से ब्याह रचा। मधुबाला जी बोले तो उन्हें तो बेचारी को शुरू से ही दिल में कैंसर था, वो तो बेचारी कुछ दिन की मेहमान बनकर उनके पास में रही और कुछ दिनों के बाद में वही दिल के कैंसर में ऊपर उनको भी जाना पड़ा मजबूरी में। तीसरे नंबर पर फिर उनको उनकी लाइफ में योगिता बाली जी से लव अफेयर करना पड़ा। अब योगिता बाली जी बोले तो जात के तो बंगाली थी, फिल्मी दुनिया में इन्हीं का जाद भाई मिथुन दा, तो मिथुन दा और किशोर दा दोनों में शुरू से ही ना वो इनकी फिल्मों में काम करे ना ये उनकी फिल्मों में गाए, तो इनकी जो तीसरे नंबर वाली बीवी थी योगिता बाली जी इनके पास से ट्रांसफर करके खुद मिथुन दा ले उड़े। मजबूरी में चौथे नंबर पर फिर उनको उनकी लाइफ में लीना चंद्रवरकर जी को और एक बात मैं सही करना चाहूंगा, मिथुन दा किशोर दा का ये दुनिया जानती है कि 36 का आंकड़ा था, लेकिन किशोर दा ने ऐ दुनिया तुझको सलाम ये गाना करके गाया मिथुन दा के लिए, मतलब किशोर दा ने मन में नहीं रखा, नहीं रखा। समय बाद किशोर दा ने, लोग बोलते किशोर दा कंजूस थे, किशोर दा ने तो खंडवा वालों के लिए क्या क्या नहीं किया है। और तो और ये बता दे किशोर दा के गाने को गा के लोगों ने अपना जीवन यापन किया, बहुत किशोर दा के लोग ऐसे ऐसे भक्त हैं जैसे कि आप बताएं, आपने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई बता कि उनके अवार्ड हैं सब कुछ है। आखिरी में फिर उनको चौथे नंबर पे मजबूरी में लीना चंद्रवरकर जी को लाना पड़ा, तो लीना जी का और किशोर दा का 13 अक्टूबर 1987 का फाइनल डे 13 अक्टूबर 1987 को BPI होने से ये दा चल बस। तो 13 अक्टूबर 1987 को जो डेड बॉडी के साथ में विद फैमिली विद परिवार जो किशोरदा का उनकी जन्मभूमि जो खंडवा आया था वो उनके फैमिली टर्म्स का फाइनल डे था। आज किशोरदा को गए पूरे 33 ईयर 33वां साल रनिंग चालू है, लेकिन 33 साल से आज तक उनकी जन्मभूमि खंडवा में उनके फैमिली ट्रम्प्स का कोई आना जाना नहीं। वो तो MP गवर्नमेंट का वर्चस्व जैसे कायम है, तो साल में जैसे उनके दो कार्यक्रम होते हैं जन्मदिन पुण्यतिथि उसको बकायदा MP गवर्नमेंट अपने स्तर पर अपने लेवल पर हर साल निपटाती है और हर साल 13 अक्टूबर पुण्यतिथि पर स्पेशली 2 से 2.5 लाख रुपये का किशोर कुमार अवार्ड भी इस बार का जो अवार्ड था खुद कई कॉम वहदा रहमान जी को इनवाइट किया गया, लेकिन अपनी अस्वस्थता होने के कारण वो इस बार यहाँ तक नहीं आ पाई, तो इस बार का अवार्ड MP गवर्नमेंट वालों ने खंडवा वालों के हाथों उनके निजी निवास स्थान बॉम्बे तक फिर उनको हैंडवर किया। था सर जी और क्या बताना चाहेंगे, अब इनका सर देखे जाए तो स्पेशली गॉड गिफ्टेड जी, गॉड गिफ्टेड बोले थे, कभी इन्होंने संगीत सीखा ही नहीं, धुनी वाले दादाजी, अच्छा धुनी वाले दादाजी, यह है इतिहास जी। जैसे जन्मभूमि मैंने खंडवा किशोर दा बताई, तो ज्यादा लंबे न जाते हुए जो इनके गुरु थे धुनी वाले दादाजी, तो कई गलती से कई धुनी वाले दादाजी ने भी उसी सतयुग में किसी गरीब दलित परिवार में कई साई खेड़ा की जन्मभूमि पर जन्म दिया। अब जन्म लेने के बाद में धुनी वाले दादाजी की भी दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उम्र बढ़े जैसे जैसे उनमें तो धुनी वाले दादाजी में एक आदत खराब थी कि वह तन पर शरीर पर कपड़े नाम का कोई चीज नहीं पहनते थे, नी वस्त्र नग्न अवस्था में रहा करते थे और अपने चेलों को जो जोड़ने का काम करते थे तो वो चेलों को भी वो यही शिक्षा देते थे, बालक जैसे हम वैसे आप लोग भी, तो कुछ बेचारे उनसे चेले लोग भी जुड़ते गए। लेकिन उस सतयुग में एक दिन ऐसा काल आया कि वो साई खेड़ा की जन्मभूमि वाले लोगों ने आपसी में हिंसा कर कई गलती से धुनी वाले दादाजी और उनके चेले चपाटियों पर कई धावा बोल दी, तो जिस दिन उस सतयुग में धुनी वाले दादाजी और उनके पार्टियों पर धावा बोला गया, उसी सतयुग में ये गांव वालों में से किसी भी सदस्य को ना दया आते हुए बेचारी एक गरीब दलित महिला को जब दया आई, तो वो गरीब दलित महिला भारी भीड़ में से बाहर निकल कर जहाँ धुनी वाले दादा के विराजमान थे, वो महिला उनके सामने जाके विराजमान थे।
दादाजी के सामने जाने के बाद उस महिला ने अपना ऐसा साड़ी का आंचल लिया और धुनी वाले दादाजी के सामने अपने साड़ी के आंचल को ऐसा फैला दिया और धुनी वाले दादाजी से कंफर्म किया कि दादाजी आज इन गांव वालों से ऐसा कौन सा गलत अर्थ हो गया है जो आप लोगों को ये गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो धुनी वाले दादाजी ने अपने मुंह से ना कुछ बोलते हुए धुनी वाले दादाजी स्वतंत्र रूप में अपने ऐसे नीचे अपने सोच अवस्था में ऐसे बैठ गए और धुनी वाले दादाजी ने अपना अकाल रूप लेते हुए ऐसे खाली हाथ को ऐसा लहराते हुए पीछे से अपनी स्वयं की हथेली में अपनी सोच लेकर वो जो बेचारी गरीब दलित महिला ने उनके सामने जो अपना साड़ी का आंचल जो फैलाया था वो आंचल में कई दादाजी ने अपनी सोच को प्रसाद के तौर पर डाल दिया। तो बेचारी उस गरीब दलित महिला ने भी उस चीज के तरफ न देखते हुए कि धुनी वाले दादाजी ने मेरे आंचल में क्या डाला, उस चीज के तरफ बेचारी उस गरीब दलित महिला ने न देखते हुए उस गरीब दलित महिला ने अपने आंचल को लपट कर दिल से कलेजे से लगा कर बेचारी वो गरीब दलित महिला अपनी गांव में निकल ली और धुनी वाले दादाजी और उनके चेले लोग उसी दिन उसी सतयुग में कहीं गलती से साई खेड़ा की जन्मभूमि को छोड़ अपने खंडवे का रास्ता। ओ सुनो आप, जब बेचारी वो गरीब दलित महिला अपने गांव वालों के बीच में जाकर विराजमान हुई और गांव वालों के बीच में जाने के बाद में जो धुनी वाले दादाजी ने उनके आंचल में जो अपना सोच का जो प्रसाद छोड़ डाला उसको जब अपने गांव वालों के बीच में ले जाकर बताया तो धुनी वाले दादाजी ने जो अपनी सोच जो डाली थी वो गोल्ड में परिवर्तन हो गई, वो सोना बन गई और धुनी वाले दादाजी और उनके चेले लोग उसी दिन उसी सतयुग में गलती से साई खेड़ा की जन्मभूमि को छोड़ अपने खंडवे का रास्ता पर। जब बेचारी वो गरीब दलित महिला अपने गांव वालों के बीच में जाकर विराजमान हुई और गांव वालों के बीच में जाने के बाद में जो धुनी वाले दादाजी ने उनके आंचल में जो अपना सोच का जो प्रसाद जो डाला उसको जब ले जाकर ऐसा खोल कर बताया तो दादाजी ने जो अपनी सोच जो डाली थी सोने में हो गई, गोल्ड वाह सोना बन गई और दादाजी वाले दादाजी सुनो ना बता रहे हो उसके बारे में चेले लोग उसी दिन उसी सतयुग में कई गलती से तो आज जहाँ दादाजी का जहाँ दरबार लगा हुआ है कई दादाजी वहाँ का विराजे। तो दादाजी जैसे ही वहाँ विराजे तो सबसे पहले धुनी वाले दादाजी ने अपने चेलों से क्वेश्चन किया कि यार यह स्थान मुझे कुछ ऐसा अजीबोगरीब लग रहा है कि अब क्यों ना मैं मेरी यहाँ पर जीती जागती समाधि ले लूं। तो तत्काल धुनी वाले दादाजी के जवाब का जवाब बना के चेलों ने वही का वही दे दिया कि दादाजी इस संसार में इस दुनिया में आपके सिवा आगे पीछे हमारा कौन महिमा, जो कुछ हो वो तो आप हो, आप जो बोलोगे वे हमें स्वीकार है। बोले बोले बालक तुम्हें स्वीकार है तो आज हमने भी प्रण संकल्प ले लिया है कि हम हमारी जीती जागती यहाँ पर समाधि देंगे, तुम लोग मेरी समाधि की तैयारी करो, मैं थोड़ा भगवान का आखिरी ध्यान लगा लूँगा। तो बेचारे चेले लोग जो थे लवलीन होकर दादाजी के समाधि के कार्यक्रम में लग गए और धुनी वाले दादाजी उसी सतयुग में उसी खुले मैदान पर अपने भगवान का आखिरी ध्यान लगाए बैठे। तो उसी सतयुग में किशोरदा का बचपना चल रहा था जी। अब किशोरदा तो बचपने से ही फ्रेंकली रोमांटिक दिमाग के थे, वही अपनी नटखटी आदतों को पेश करते हुए यही वाले स्पॉट से अपने साइकिल के द्वारा गिरते पड़ते झड़ते जहाँ दादाजी धुनी वाले अपना आखिरी ध्यान लगाए बैठे थे कई गलती से उनके सामने जाकर विराजमान। अब दादाजी के सामने जाने के बाद में दादाजी को खूब ऐसा ऊपर नीचे देख कई अपनी तोतली भाषा में कई उल्टा सीधा गलत
कमेंट्स करने लगे, नन्ना थन्ना जैसा तैसा गिड़गिड़ाने लगे, तो धूनी वाले दादाजी का जो ध्यान लगा हुआ था, उस ध्यान को किशोरदा ने अपनी नटखटी आदतों को पेश करते हुए भंग कर विहीन कर दिया। अब धूनी वाले दादाजी मन ही मन अंतरात्मा सोचे कि यार मैं तो अब मेरी जिंदगी से जा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले इस बालक को कुछ आशीर्वाद। जब धूनी वाले दादाजी ने अपनी नम आंखों को खोलते हुए जब सामने नजर मारी तो धूनी वाले दादाजी के सामने किशोरदा की तस्वीर दिखी। अब किशोरदा को ऐसा ऊपर नीचे देख धूनी वाले दादाजी ने किशोरदा से कहा, हे बालक, प्रसाद ग्रहण करोगी क्या? तो फिर दूसरा गलत कमेंट किशोरदा ने दादाजी को वही का वही मारा। अरे तू एक नंगा आदमी, तेरे पास वो कुत्तो दिख नहीं ला, न तू क्या हम लोगों को पलता तिलाएगा। यह बात जब धूनी वाले दादाजी को उनके दिल में लगी तो धूनी वाले दादाजी ने अपनी आखिरी बार अपना घेरा अवतार लेते हुए से खाली हाथ को लहराते हुए कई गलती से दादाजी ने अपने हाथ को अपने साइड वाले झोले में डाल दिया। जब साइड वाले झोले से बाहर वापस दादाजी का रिटर्न हाथ निकला तो धूनी वाले दादाजी की बंद मुट्ठी निकली। उस बंद मुट्ठी वाले हाथ को किशोरदा के सामने लंबा हाथ कर तान दिया और फिर किशोरदा से कहा, बालक देखो मत, ये नंगे आदमी ने जो तुम्हें प्रसाद दिया है इसे ग्रहण करो। और इधर दादाजी की मुट्ठी खुली, तो जैसे ही मुट्ठी खुली तो वहाँ तो गरम गरम लड्डू बनकर तैयार था। उस गरम गरम लड्डू के तरफ जब किशोरदा की नजर पड़ी तो किशोरदा के मुंह में से वही पानी बहने लगा। अब किशोरदा मन ही मन सोचे कि एक बार ही नंगेश्वर बाबा फिर मुझे बोले कि बालक प्रसाद ग्रहण करो, फिर बताता हूँ कि प्रसाद कैसे खाते। तो गलती से दूसरी बार में धूनी वाले दादाजी ने इधर से बोली दिया, बालक देखो मत, ये नंगे आदमी ने जो तुम्हें प्रसाद दिया इसे ग्रहण करो। तो इधर से दादाजी का बोलना हुआ और इधर से किशोरदा का उनकी हथेली पे से उस लड्डू का प्रसाद ऊपर का ऊपर झपट कर पूरे लड्डू को मुंह में गटकना हुआ। अब पूरे लड्डू को मुंह में गटकने को तो गटक गए, पूरा प्रसाद जब मुंह में चबाने के बाद में वह प्रसाद जब कंठ से पूरा अंदर पेट में विचलित हुआ, उसी दिन उसी सतयुग में वही उनमें सरस्वती विराजमान हुई। वाह वाह वाह। उस दिन से जो सुर बांधा, खंडवा डिस्ट्रिक्ट तो क्या, एमपी तो क्या, देश तो क्या, विदेशों में अपनी आवाजों का बमंडर मचा के वो खुद स्वयं अपने बीच से अपने खुद की 58 की एज में स्वयं के प्राण न्योछावर कर खुद चले। दादा धोनी वाले की जय। और दादा किशोर कुमार के ऊपर इतनी बड़ी कृपा दादा धोनी वाले की। अरे क्या किशोर दा के बारे में एक चीज ये फेमस है, किशोर दा ना केवल गायक थे बल्कि म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, पिक्चर भी बनाते थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और लिखते भी खुद थे। जैसे एक गाना उन्होंने गाया था कि आ चल के तुझे मैं ले के चलूँ एक ऐसे गगन के तले, दूर गगन की छाँव में, वो उन्होंने खुद ही लिखा था, खुद ही डायरेक्ट किया था। तो एक ऐसा ही एकमात्र ऐसा कलाकार हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है जो हर फन मौला था, हर फन में उसकी मतलब काबिलियत थी। कॉमेडी उनके जैसे आज तक कोई नहीं कर पाया, उनके जैसे कोई कुछ नहीं कर पाया। आप कुछ गाना गाना चाह रहे थे? गाना तो नहीं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जी क्या, आपने तो नाम बता ही दिया, फिर से बताइए। जी जी बताया जाता है कि किशोर कुमार तो पंचमुखी प्रतिभा के धनी थे जी, हर चीज के मास्टर। ये आर डी बर्मन का एक गाना था, एक में और एक टू दोनों मिले इस तरह, और जो तनमन में हो रहा है होना ही था। ये गाने के अंत में तो तैयार थे डायरेक्टर के पास, लेखक के पास, लेकिन मुखड़ा नहीं मिल पा रहा था। तो आर डी बर्मन किशोरदा के घर आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं दोनों, तो बोलते दादा गाना तो बन चुका है, मुखड़ा नहीं मिल रहा, क्या करें? तो दादा बोला यहाँ कितने जने बैठे हैं? बोले दो जने बैठे हैं। बोले एक में और एक तू, और दोनों मिले इस तरह, और जो कुछ तन मन में हो रहा है वो तो होना ही था, तो दादा मुखड़ा मिल गया। एक गाना मैं गा ही देता हूँ, जब किशोरदा की समाधि पे आया हूँ, उन्हीं का गाना जो उन्होंने गाया था, उन्होंने गीत लिखा था, उन्होंने सारा कुछ किया था।
म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे। फंटुश नहीं, आंचल की तुझे मैं ले फिल्म फंटुश नहीं, ये दूर गगन की छाव, दूर गगन की छाव, जिसमें अमित कुमार और किशोर दा ने दोनों ने एक्टिंग की थी। दादा आइए आप। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, खंडवा के लिए लिखा था ये गाना। अच्छा। जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश लाए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहां सांझ सुहानी ढले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। धन्यवाद दादा। दादा जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आप बहुत बहुत धन्यवाद, चरण वंदन प्रणाम। आप इतनी अच्छी जानकारी दिए कि हमें तो आपके चरण ही नजर आए। चलिए धन्यवाद। नहीं नहीं, आपने दादा धूनी वाले की कृपा बताई, ये पूरे विश्व में किसी को पता नहीं है, केवल आपको पता है क्योंकि आप खंडवा के हैं और आप उनकी समाधि की देख रेख करते, इसलिए आपको पता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका वंदन अभिनंदन। पूरा रिकॉर्ड कर लिया, बाहर से भी कर लिया था जी। अब मैं चाहता हूँ मेरे को एक भेजना को, इसलिए कि मेरे मंसूर काम आ जाएगा। और आप तो आप कुछ, आपको कैसा लग रहा है, मतलब जैसे जो हालत हो गई है, मतलब बोलने लायक नहीं है। मतलब जब किशोर दा थे तब तक यहाँ पे देख रेख होती रहती थी, और किशोर दा के बाद अशोक कुमार भी देखते थे कि बस वही ज्यादा देखते थे, किशोर दा देखते थे। और वो अनूप कुमार जी, अनूप कुमार तो आते रहते थे हमेशा, वो कहाँ इस समय? जीरो भाई शांत हो गए ना। अच्छा, तो अनूप कुमार की फैमिली कहाँ पे है? मुंबई में, तीनों के। अच्छा अच्छा, तीनों की। अच्छा अच्छा, तो ये जैसे इसको अभी कह रहे हैं कि बस आप दिया तो इसके आगे मत बोलो। Thank you.